आपकी बाइक है 25,000 रुपये में, इन्होंने एग्री कर दिया। ये भी प्राइवेट है, मैं भी प्राइवेट पार्टी हूँ, ठीक है सर। ये आपकी ये है प्राइवेट अंडरस्टैंडिंग विच कम्स इन द डोमेन ऑफ प्राइवेट लॉ। प्राइवेट लॉ की काफ़ी एग्जाम है, कुछ हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टी लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट है, और सिविल लॉ है, ये सब है आपके एग्जाम प्राइवेट लॉ, जिसमें पार्टी जो है वो सरकार पार्टी नहीं है, मद्देनजर रखिएगा जी। डोमेस्टिक लॉ भी प्राइवेट लॉ ये है जिसमें सरकार पार्टी ना हो, दो प्राइवेट पार्टी, दो इंडिविजुअल्स के या दो ग्रुप्स के दरमियान गवर्नमेंट पार्टी ना हो। अब आप कहेंगे गवर्नमेंट क्यों पार्टी होगी, उसका जवाब आएगा पब्लिक लॉ। पब्लिक लॉ में एक पार्टी जरूरी गवर्नमेंट, इसके क्या है ब्रांचेस, इसकी तीन ब्रांच, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और एक प्राइवेट लॉ। पर्टिकुलर टारगेट क्यों होता है प्राइवेट लॉ, किसी पर्टिकुलर विद्यालय में हो सकता है प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ की तीन जो ब्रांचेज हैं वो कौन सी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशन, आपके आईन में तरानीम, नया आईन बनाना, पुराना आईन खत्म करना, ये सरकार है जो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बाद में क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ का मकसद ये है कि पब्लिक राइट्स की इंफ्रिंजमेंट, पब्लिक राइट्स यानी किसी को मारना, डकवाइटी, ये सब क्रिमिनल लॉ में आते हैं। यहाँ में भी स्टेट इन्वॉल्व है, हमने जूस में पढ़ा था जी सर कि सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में डिफरेंस ये है कि क्रिमिनल लॉ में केस जब चलेगा, अगर मैं चोरी करता हूँ मुझ पर केस चलेगा तो केस का नाम क्या होगा, स्टेट वर्सेस। भले चोरी जो है, अगर वो चोरी जो है वो मिस रिंद की हुई है, लेकिन मिस रिंद का नाम नहीं आएगा, नाम क्या आएगा, स्टेट। यहाँ पे स्टेट लॉ, पब्लिक लॉ में यानी सरकार जहाँ कहीं पे भी इन्वॉल्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को हटा के, क्रिमिनल लॉ को हटा के, बाकी तमाम के तमाम लॉज है रिपीट। पब्लिक लॉ वो लॉ है जिसमें सरकार इन्वॉल्व है, पार्टी है, उसकी तीन एग्जाम होती है। एक एग्जाम छोटी सी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन मॉडिफाई करना, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। दूसरी किस्म भी छोटी सी पब्लिक राइट्स की इंफ्रिंजमेंट, वायोलेशन, किसी को मारना, डकवाइटी, चोरी, मर्डर, क्रिमिनल। उसके अलावा सरकार किसी भी लॉ को बनाती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद ना हो, जो क्रिमिनल लॉ ना हो वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। मिसाल के तौर पर सरकार ने एक लॉ बनाया कि जो भी 19 ग्रेड के ऑफिसर हैं इस हुकुम के बाद वो 20वें ग्रेड में ट्रांसफर, ये सरकार ने लॉ बनाया। अब दैट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन की हेरफेर नहीं है, क्रिमिनल लॉ भी नहीं है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बहुत बड़ा है, एम्बिट इसका बहुत बड़ा है, यानी क्रिमिनल लॉ को हटा के, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को हटा के, बाकी जो कोई भी लॉ बन रहा है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव। प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ में डिफरेंस आप समझ गए, ठीक है। अब ये दोनों जो है प्राइवेट लॉ एंड पब्लिक लॉ, ये दोनों हम कहते हैं इनको इंटरनेशनल डोमेस्टिक लॉ या नेशनल, पब्लिक लॉ को म्युनिसिपल लॉ नहीं कहते, पब्लिक लॉ को म्युनिसिपल लॉ नहीं कहते। हाँ, आप म्युनिसिपल लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ब्रांच है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तो हर वो लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल लॉ ना हो, उसके अंदर फिर लोकल लॉ आ जाता है, म्युनिसिपल लॉ आ जाता है, ये सब आता है। डोमेस्टिक लॉ और नेशनल, ये अब आपके हो गए नेशनल लॉ या डोमेस्टिक लॉ। अब ये सवाल आता है कि ये तो हम मुल्क के अंदर कानून बना रहे हैं, ये तमाम के तमाम कानून ये आपके लिए और मेरे लिए तो है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में एक हफ्ते के लिए वेकेशन मनाने के लिए शकीरा ने घूमने के लिए शकीरा ने कहा कि पाकिस्तान में घूमना चाहता हूँ, पाकिस्तान में आई और शकीरा पाकिस्तान में आके एक प्लॉट खरीद, ठीक है, कासमाबाद में एक प्लॉट खरीद, कासमाबाद में एक एक प्लॉट तीन तीन लोगों के नाम पे, ठीक है जी। पता चला कि भाई वो जो शकीरा वाला प्लॉट है
डोनल सोरो साहब ने भी खरीदा हो, अब वो क्या करेंगे, वो पाकिस्तान की कोर्ट में केस करेंगे, ठीक है ना, हम पे करेंगी या जिससे खरीदा है वो पे करेंगी। अब यहाँ पे क्या है, देयर इज अ फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व, फॉरेन एलिमेंट है ना, बाहर के एलिमेंट है। अब वो कहेंगे कि भाई मैं पाकिस्तान का लॉ क्यों मानूं, मेरे मुल्क में तो ये लॉ है, तो ये क्या आएगा, कंफ्लिक्ट है, कंफ्लिक्ट बिटवीन लॉज ऑफ शकीरा का मुल्क कौन सा है, अमेरिका, कोलंबिया सर, अमेरिका, मेक्सिका लेना कोलंबिया, अब ये कंफ्लिक्ट बिटवीन लॉज ऑफ पाकिस्तान एंड लॉज ऑफ कोलंबिया। तो इंटरनेशनल लॉ तब होगा जब किसी दो ममालिक के लॉज के बीच में कंफ्लिक्ट होगा या इंगेजमेंट होगा। अब ये जो मैंने आपको मिसाल दिया ये आता है इंटरनेशनल लॉ में, लेकिन इंटरनेशनल लॉ की भी दो ब्रांच, इंटरनेशनल लॉ की दो ब्रांचेस किस तरह से है, ये तो आप समझ गए, डोमेस्टिक लॉ, डोमेस्टिक लॉ है मानो।